तेजू को क्या पता है अंगद का सच? क्या वो जानती है कि फतेह है बिल्कुल बेकसूर? क्या वो जानती है कि सारी चीजें जो कुछ भी हुई है, जो भी हादसा हुआ है, वो सब कुछ किया है अंगद ने? जी हाँ, लेटेस्ट ट्रैक में आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट और हम आपके लिए लेकर आए हैं उडारिया की लेटेस्ट अपडेट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है आगे और क्या तेजू को है सारी हकीकत पता। वेल, आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि तेजू जो है वो अंगद को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करती नज़र आने वाली है, क्योंकि उसे कंफर्म पता है कि ये सब कुछ जो है वो अंगद ने ही किया है। जी हाँ, यहाँ पर भले ही तेजू जो है वो फतेह पर चिल्लाती नज़र आए, वो भले ही फतेह पर काफ़ी ज़्यादा भड़कती नज़र आए कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं से तेजू को इस बात का पूरा शक है कि ये सब कुछ जो है वो अंगद ने किया है। और कहीं ना कहीं से उस रात अंगद को तेजू ने देख लिया था, कुछ ऐसी ही सिचुएशंस आने वाली है। वेल, इस बात को लेकर हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आप सबने देखा होगा कि जब फतेह जो है लगातार तेजू को कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ और मैं समझ गया था कि तुम ही तेजू हो और यहाँ की हवाएं मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, मुझे सुकून मिल रहा था, मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आई, और ये सब बोलते बोलते वो बहुत रोता है और इस दौरान तेजू भी बहुत रोती है, लेकिन वो बार बार रिएक्ट यही करती है कि उसने उसे धोखा दिया है और उसने मारने की कोशिश की है। ये सुनकर फतेह के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फतेह हार नहीं मानता। यहाँ तक कि फतेह उसे कुछ पूछता भी नहीं, वो ये भी नहीं पूछता कि तेजू तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तान्या क्यों बनी, तुम यहाँ लंदन कैसे आई, ये सब कुछ नहीं पूछता। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम कुछ भी करती हो वो तो किसी रीज़न के साथ ही करती हो, इसीलिए मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, जब तुम्हें लगेगा तब तुम मुझे बता देना। और ये सुनकर तेजू लगातार रोती रहती है। इसके बाद आपको बता दें कि तेजू जो है वो अंगद से मिलती है, अंगद उसके पीछे पीछे हमेशा लगातार उसे ट्रैक कर रहा होता है, और यही वजह है कि तेजू जो है वो चीज़ों को बहुत सोच समझ कर बोलती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो अंगद है उसे लगातार ट्रैक कर रहा है और वो जानने की कोशिश कर रहा है कि तेजू है या तान्या। इसी वजह से जो तेजू है वो अपनी आइडेंटिटी और भी ज़्यादा छुपाती नज़र आ रही है। आने वाले ट्रैक में आप यही देखेंगे कि वो इसी वजह से आइडेंटिटी छुपाती नज़र आ रही है। यहाँ पर एक बार फिर से अंगद और तेजू को एक साथ देखकर जैस्मिन, फतेह और साथ ही साथ अमरीक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो अंगद है वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। वेल, फतेह बहुत परेशान होता है और फतेह जो है वो जैस्मिन और अमरीक से डिस्कस कर रहा होता है कि ये सब कुछ किसने किया, उसे मारने की कोशिश कैसे हुई होगी, और ये सब सोच कर बहुत परेशान होता है फतेह कि तभी अचानक से अमरीक के मुँह से निकल जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंगद ने ये सब कुछ किया हो। ये सुनकर फतेह के भी दिमाग में वही बातें आ जाती हैं और फिर फतेह, जैस्मिन और अमरीक तीनों देख लेते हैं अंगद को तेजू के साथ। तो भाई, कहीं कहीं से यही चीज़ हो रही है कि तेजू जो है वो जानबूझकर ये चीज़ कर रही है कि ताकि जो है वो अंगद को कुछ शक ना हो और वो अपने प्लान में कामयाब हो। इसके अलावा कुछ BTS फोटोज भी सामने आई थी जहां पर तेजू जो है वो फतेह से डिस्कस करती नज़र आ रही थी और वो भी रात के अंधेरे में। तो आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जहां पर अंगद के राज खुद खोलने वाली है तेजू। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। TV और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।